अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, इट्स साइंस लेक्चर, सो ओपन योर साइंस नोटबुक्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट, डे एंड क्लास वर्क ऑन योर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ यूनिट नंबर 5, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज वेपोरेशन, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इन टू वेपर्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम डेली लाइफ। नंबर 1 इज ड्राइंग ऑफ क्लॉथ इन द सन, द वाटर प्रेजेंट इन द क्लॉथ्स when washed is removed by the process of evaporation. Second one is the natural drying of the body after the shower. Number 3 is drying of wet floor is also an example of evaporation. Students, evaporation किसको कहते हैं? ऐसा process जिसमें पानी गैस में चेंज हो जाता है, पानी आबी बुखारात में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं एवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लॉथ को वॉश करो, तो वॉश करने के बाद जब आप उसको सन में, सनशाइन में उसको ड्राई करते हो क्लॉथ्स को, तो क्लॉथ्स का जो पानी है वो ड्राई होकर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर्स में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवेपोरेशन। अगर हम नेचुरली अपनी बॉडी को ड्राई कर रहे हैं आफ्टर शावर, तो उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस भी कैसे होता है? एवेपोरेशन के ज़रिए। और अगर आप डेली जो रूटीन में अगर एक और एग्जांपल देखें, तो वो एग्जांपल है वेट फ्लोर। जब जो आपका फ्लोर है वो वेट होता है, तो वो कैसे ड्राई होगा? एवेपोरेशन के प्रोसेस से। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन, write this question on your notebooks in a very good handwriting. Further discussion will be done in Zoom class, so must join your Zoom class. Allah Hafiz students.